मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी जी होर उन्होंने श्रद्धा के फुल भेट करना है। और जिस तरह का मुस्लिम भाईचारे ने प्यार दिता है वो मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। इस करके बंद पे ने बहुत ही नजायज रेट बढ़ा दिते। असी उन्होंने कहा जिहड़ा पुराने रेट से खोलना चाहता है खोल ले, सानू कोई इतराज नहीं। जे तुसी इस तरह रेट डबल कर दिओ असी समझते हैं भी साड़ी एजिटेशन की सज़ा लोगों को देना चाहते हो। इस करके असी जिहड़े टोल प्लाजा ते रेट बढ़ाए ने असी नहीं खोल रहे। मैनू हाले नहीं कोई ना मैं इस बारे सोचा ना हाले इस पास कोई नहीं। जी दी मीटिंग नहीं है वो शायद कोई होर डेट फिक्स होएगी। राजीव साहब पिछले दिन जगजीत सिंह डल्ले वालों थोड़े वालों आरएसएस का बंदा कह गया सी उन्होंने बयान आया कि ज्यादा उम्र होने करके मैं हूं कोई कमेंट नहीं करूंगा। राजीव साहब 2022 का चुनाव नेड़े ने 700 किसान जड़े ने किसान मोर्चे दे विच शहीद होए ने कि बीजेपी का साथ दिता जाऊगा किसानों वालों या विरोध किया जाऊगा इलेक्शन दे विच जदों फैसला होएगा उदों तुहानूं दस्सां। राजीव साहब राजीव साहब कन्वर करेवाल ने गीत गाया सी कि जदों पंजाब वाल परतों इकल्ली इकल्ली गल याद रखी शुरू कर दा अल्लाह ताला दे नां तों जो बड़ा मेहरबान ते नियायत रहम करन वाला है। अज डॉक्टर साहब अज संयुक्त किसान मोर्चे के जेड़े आगू ने बलबीर सिंह राजेवाल जी उन्हों का लुधियाने की समूह मस्जिदों के प्रधान साहबान इमाम साहबान मुसलमान जेड़े आगू ने पूरे शहर के उन्हों वालों लुधियाने की इतिहासिक जामा मस्जिद विखे राजेवाल जी का सन्मान किया गया। असल दे विच क्योंकि पिछले साल जब किसान अंदोलन शुरू होया सी उदों ही जिथे सर्व धर्मां दे लोगों ने साथ दिता लुधियाना जामा मस्जिद तो बकायदा इस अंदोलन के लिए बकायदा ऐलान किया गया सीगा। हत्तांकि उस वेले जिहड़ा साडा कौमी मीडिया है उन्हें इहदी विरोधता भी की सी कि पंजाब दे शाही इमाम साहब किसान अंदोलन दे हिमायत दी ऐलान करते पे ने। तो मैं समझदा कि साडा वो ऐलान जिहड़ा सी वो देश की एकता और अखंडता के मुताबिक सर्व धर्म एकता का सी। और अज जद राजेवाल जी आए उन्होंने एक गल कही कि यह अंदोलन जिहड़ा है कल्ला किसानी का अंदोलन नहीं सी, ये पूरे भारत के सर्व धर्मां दे लोकां दा अंदोलन सी। इसीलिए अज उन्हां दा असी सन्मान किया कि वह अंदोलन जित के वापस आए हैं। एक साल लगातार असी खासकर लुधियाना जामा मस्जिद तो किसान अंदोलन के लिए बार बार शहर के रैलियां की गई, संघू बार्डर जाते रहे, कैंडल मार्च किए गए, तिरंगा यात्रावां कढ़ियां गई। और उस तो बाद अज जब पूरे देश किसानों के हक के कानून जोड़े बन गए वो काले कानून रद्द कर दिए गए। तो मैं समझदा कि यह खुशी का दिन भी है और शुक्र का दिन भी है। राज्यपाल जी ने एक गल होर कही अज कि अंदोलन अजे खत्म नहीं होया पोस्टपोन्ड होया। तो मैं भी ये गल दसना चाहना कि आने वाले समय च जद भी कभी किसान भाईचारा कोई भी अंदोलन उलीकेगा जिहड़ा कि साडी मिट्टी के मुताबिक हुंदा साडी सभ्यता के मुताबिक हुंदा, तो सर्व धर्मां दे लोग दोबारा जिहड़े ने मोढ़े दे नाल मोढ़ा ला के उन्हां दे नाल खड़नगे जी।